नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, यदि हम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर वहाँ पे हमारी हमें डॉक्टर नहीं मिलता है, डॉक्टर वहाँ पे टाइमिंग पे नहीं आते हैं और हमें वहाँ पे कोई टेस्ट करने से मना कर दिया जाता है या वहाँ पर हमें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो इसकी कंप्लेन हम कहाँ करेंगे, कौन कौन से ऑफिसर को करेंगे? और हम अगर हमारा कोई भी ऑफिसर नहीं सुनता है तो हम इसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री को हम इसकी कंप्लेन कैसे करेंगे? इसी बारे में मैं आज आप सभी के सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। और जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ एक सच्ची घटना के बारे में जो कि मेरे साथ घटी थी, मैं आपको वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया था कुछ दिन पहले। तो सरकारी हॉस्पिटल में मुझे 5 ब्लड टेस्ट लिख के उन्होंने बोला था कि आप सरकारी हॉस्पिटल की लैब में जाइए और आप वहाँ पे ये टेस्ट करवा के हमें ला के दिखाइए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा वीडियो के अंदर, मैं आपको जो चीज़ मेरे साथ घटी हुई है मैं आपको वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और मैं आप अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचें। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया था। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे वहाँ पे 5 टेस्ट करवाने के लिए बोला गया था, एक पेज के ऊपर 5 टेस्ट लिख के दिए थे। तो मैं 5 टेस्ट जब करवाने के लिए लैब में गया तो लैब वाले ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 टेस्ट होते हैं जिसमें एक टेस्ट आपका है वो आपको बाहर से प्राइवेट लैब से करवा के ला के देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तो बाहर से नहीं करवा सकता, आपको ही करके देना पड़ेगा। तो लैब पर्सन ने मुझे कहा हम ये टेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपको करवाना है तो आप बाहर से ही करवा के हमें ला के दो। तो मैं वहाँ से आ गया हॉस्पिटल से बाहर। तो अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि जब मैं बाहर लैब में उस हॉस्पिटल के सामने एक प्राइवेट लैब बनी हुई है मैं उसमें जब गया तो मैंने वहाँ पे उस लैब का चार्ज पूछा, उस टेस्ट का चार्ज पूछा, तो उन्होंने मुझे 500 रुपये चार्ज बताया। 500 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा कि इनको जो ऑफिसर रहते हैं हॉस्पिटल के हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मैं उनको इनकी कंप्लेन करूँगा कि इन्होंने मुझे टेस्ट करने से मना क्यों किया। तो मैंने उस टाइम तो मैं हॉस्पिटल से घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने गूगल किया, गूगल के ऊपर जितने भी हेल्थ से जुड़े ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट हैं, सबकी ईमेल आईडी निकाली, जितने भी ऑफिसर थे सबकी ईमेल आईडी निकाली। तो मैं आपको इस जगह आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर हम जब भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, हमें बोल दिया जाता है कि आप बाहर जाके ये दवाई ले लो, या फिर हमें कुछ टेस्ट करने से मना कर देते हैं तो हमें बोला जाता है कि ये टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर से करवा के लाना ला करवा करवाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि क्यों टेंशन ली, बाहर से करवा लेते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं यार हम इन पंगों में क्यों पड़े, और कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमें तो डर लगता है, हम तो सर इन कामों में पढ़ना ही नहीं चाहते, बाहर से बोल रहे हैं बाहर से करवा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बाहर से करवाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होता है जिनके घर में कमाने वाले से ऐसा होता है कि पूरे दिन में 200 रुपये या 300 रुपये कमा पाते हैं, तो वो कहाँ से बाहर के 500 रुपये का टेस्ट पेमेंट करेंगे। लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि ऐसे लोगों की शिकायत कहाँ करनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे ऐसे रूल निकाले हुए हैं, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें बनाई हुई हैं, अगर आप उनकी शिकायत करते हैं ऊपर लेवल पे तो उनकी सुनवाई ज़रूर होती है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मुझे 2 बार सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी मैंने शिकायत की, मैं आपको आगे बताऊंगा, और 101% मेरी उनकी उन प्रॉब्लम शिकायत का सोल्यूशन हुआ है। तो मैं उन्हीं के बारे में आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे उनको शिकायत की और कैसे मेरे सोल्यूशन हुआ और कितने दिनों के अंदर मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ। तो ये सच्ची घटना के ऊपर मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया सरकारी हॉस्पिटल में मुझे टेस्ट बाहर से करवाने के लिए बोल दिया। तो मैं घर पे आया, गूगल मैंने की, गूगल से मैंने जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट की मेल आईडी थी मैंने सारी की सारी मेल आईडियाँ निकाली और सबको मैंने मेल कर दिया। मैंने 8 मेल आईडियाँ निकाली थी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी की, हेल्थ मिनिस्टर की भी निकाली थी और उनसे नीचे की जितने भी ऑफिसर थे सबकी ई मेल आईडियाँ निकाली। सबको मैंने मेल में ये लिखा कि मुझे हॉस्पिटल में टेस्ट करने से मना कर दिया, बोले आपको ये टेस्ट बाहर से करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये टेस्ट बाहर से नहीं करवा सकता, कृपया आप मेरी मदद करें।
मैंने ये मेल लिख के अपने मोबाइल नंबर, नाम, सब कुछ मैंने मेल में सेंड कर दिया। तो अगले दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन मैंने दोबारा उनको मेल किया कि अभी तक कृपया करके मेरी मेल का रिप्लाई करें और कृपया करके मेरी शिकायत का समाधान करें। लेकिन दूसरे दिन भी उनका कोई भी मेल से रिप्लाई नहीं आया किसी भी ऑफिसर का। तो तीसरे दिन मेरे पास एक ऑफिसर का कॉल आया हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से कि आपने ऐसे शिकायत करी थी। मैंने वो बताया, हाँ मैंने शिकायत की थी, मुझे टेस्ट करवाने से मना कर दिया है। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। तो उस दिन के बाद फिर उसका दोबारा फ़ोन नहीं आया। ऐसे लगातार मैंने तीसरे दिन फिर दोबारा उनको मेल पर रिप्लाई दिया कि आपका अभी तक आपने मेरी शिकायत का समाधान नहीं किया है, कृपया मेरी शिकायत का समाधान करें और मुझे मेरी मेल का रिप्लाई करें। तो उनका 4 दिन तक कोई भी मेल के ऊपर रिप्लाई नहीं आया। 4 दिन बाद मैंने सीएम विंडो में गया। सीएम विंडो हरियाणा के अंदर एक सीएम विंडो का एक डो क्या बोलते हैं, ऑफिस बोल सकते हैं, जो कि है उसमें आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। यदि अगर आपकी सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी महकमे में कोई आपकी सुनवाई नहीं करता है तो आप डायरेक्ट अपनी शिकायत को मुख्यमंत्री के पास पहुंचा सकते हो। और एक मेरी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन 1 वीक में हो गया था। वो डिपेंड करता है कि लोगों की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बड़ी है या कुछ ज़्यादा बड़ा काम है तो ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम 1 वीक में मेरी सॉल्व हो गई थी। तो मैंने आपको बताया सीएम विंडो के बारे में। तो अगर आपको सीएम विंडो के बारे में नहीं पता है कि सीएम विंडो क्या है, कैसे एक मुख्यमंत्री से कम मुख्यमंत्री तक हम अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। आप मेरे प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है कि सीएम विंडो तक कंप्लेन कैसे करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सीएम विंडो के ऊपर कंप्लेन लगाई, मैंने सीएम विंडो के ऊपर 2 कंप्लेन की। पहली कंप्लेन तो मैंने सीएम विंडो पे ये की कि मैं मुझे सरकारी हॉस्पिटल में मेरा एक टेस्ट करने से मना कर दिया, जो कि उन्होंने मुझे भारतीय प्राइवेट लैब से करवाने के लिए बोला, जो कि मैं भारत प्राइवेट लैब से ये टेस्ट नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बाहर से करवाने के 500 रुपये नहीं है, क्योंकि कृपया मेरी मदद करें। मैंने पहली कंप्लेन तो ये लिखी और कंप्लेन में मैंने अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, सब कुछ मेंशन कर दिया। और दूसरी कंप्लेन जो मैंने की, दूसरी कंप्लेन में मैंने जिन जिन ईमेल आईडी पे, जिन जिन ऑफिसर की ईमेल आईडी के ऊपर मेल किया था, उन सब की ईमेल आईडी, दूसरी शिकायत जो मैंने की सीएम विंडो पे, उसमें सबकी ईमेल आईडी लिखी और मैंने लिखा कि इन सभी ऑफिसर को मैंने शिकायत की थी, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने मेरी शिकायत पर सुनवाई नहीं की और ना ही मुझे अभी तक इनका मेल का कोई रिप्लाई आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी ऑफिसर के ऊपर सख्त से सख्त आप कार्रवाई करें। तो 2 दिन बाद मेरे पास जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था सरकारी हॉस्पिटल का, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आपका एक टेस्ट होना था जो कि आपको बाहर से करवाने के लिए बोला गया था, आपको चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है, वो टेस्ट हम आपको करवा कर देंगे, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला आपका जब भी फ्री आप मुझे बताइए, आप आइए, मैं आपका टेस्ट बाहर से करवा दूंगा। तो मैं गया मेरा, और जैसे ही उन्होंने फ़ोन काटा उसके आधे घंटे बाद चंडीगढ़ से चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट सीएम विंडो से मुझे कॉल आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने सीएम विंडो पर शिकायत की थी। मैंने बोला हाँ शिकायत की थी। तो उन्होंने पूछा कि आपकी प्रॉब्लम अब तक सॉल्व हो गई है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ अभी मेरे आधे घंटे पहले डॉक्टर का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला हम आपका टेस्ट करवा देंगे। तो वो बोले ठीक है, अगर आपको आगे कोई शिकायत हो आप हमें बता सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीएम विंडो पे मैंने जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कंप्लेन की, उसके थ्रू मेरी कंप्लेन सोल्व हो गई। तो कभी भी आपके साथ सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर आपको टाइम पे नहीं मिलता है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक और बात बता दूं, आज से 6 महीने पहले मैंने एक कंप्लेन हॉस्पिटल में गया था, सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर उन्होंने मुझे, जो कंपाउंडर बैठे थे उन्होंने बोला था कि 2 दिन तक डॉक्टर नहीं आएंगे। तो मैं दो उससे 3 4 दिन पहले भी गया था, तब भी डॉक्टर ऐसा ही था कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरे नियरेस्ट जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते थे। तो मैंने उनकी सीएम विंडो पर कंप्लेन की थी कि
डायरेक्ट मुख्यमंत्री को मैंने कंप्लेन लिखी थी सीएम विंडो पे कि ऐसे ऐसे हमारे सरकारी हॉस्पिटल में इस चीज़ के डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर हैं जो कि अवेलेबल नहीं रहते हैं ज़्यादातर, और आते हैं तो टाइम पे कभी नहीं आते हैं। तो मेरे पास 3 दिन बाद ही सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर का मेरे पास फ़ोन आ गया था, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला था कि आप अवेलेबल नहीं थे और आप टाइम पे कभी भी नहीं आते हैं। तो हमारी डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने लास्ट में एक फॉर्म के ऊपर मुझसे साइन करवाए थे कि आप ये लिख के दे दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मैंने लिख के दे दिया था कि हाँ, डॉक्टर साहब ने मुझे बुला के डिस्कशन किया है कि आज के बाद वो टाइम पे अवेलेबल रहेंगे और ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे कहा है, इसलिए मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से डॉक्टर साहब अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी निभाएंगे। तो ऐसे मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। तो मेरे इससे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास के सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बदले, तो अगर आप ये सोचते हैं घर बैठे बैठे सरकारी हॉस्पिटल हैं ही बेकार, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल दिन पर दिन बेकार होते जा रहे हैं, तो वो आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप ही एक्शन नहीं लेंगे, आप ये सोच के घर पे आ जाएंगे कि छोड़ यार मैं बाहर से प्राइवेट से लैब से टेस्ट करवा लूँगा, या मैं बाहर से डॉक्टर अगर उन अंदर दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला है बाहर से ले लो तो मैं बाहर से ले लूँगा, तो वो प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपको अपनी अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको शिकायत करनी पड़ेगी, और अब जब तक आप ऊपर लेवल तक शिकायत नहीं करेंगे तब तक आपका सोल्यूशन कैसे होगा? आप शिकायत करेंगे उसका, और मैं कहता हूँ कि आप शिकायत करके देखिए आपकी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन होगा, लेकिन आपको चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं ऐसी ही इसी प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।